अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू किचन गार्डन ऑफ शराफत में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब तो बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में बहुत अच्छे से मसरूफ़ होंगे और अपने किचन गार्डन को भी खूब सरसब्ज शादाब बनाए हुए होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा ये धनिया है जो सर्दियों की बड़ी फेवरेट सब्ज़ी है। हर गोश्त से लेकर सब्ज़ी तक के अंदर बड़े ज़ोक व शौक़ से ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बगैर खाने का मज़ा अधूरा है। इसकी खुशबू दिलों को मोह लेती है। वैसे भी ये बहुत ही खुश ज़ायका सब्ज़ी है। इसके बगैर सालन की रौनक मांद फीकी पड़ी रहती है। इसके बगैर सालन की डिश सजती ही नहीं। सालन क्या कोई भी इटालियन चाइनीज जो मर्जी चीज़ हो वो इसके सरसब्ज पत्तों के बगैर खूबसूरत ही नहीं, उस पर रौनक ही नहीं आती। तो दोस्तों, ये वीडियो आज हम देख रहे हैं धनिया से मुतालिक, धनिया हाउ टू ग्रो धनिया। ये इसकी शायद पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, आपने नहीं देखी, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके अंदर भी आपको हाउ टू ग्रो धनिया, धनिया उगाने का आपको तरीका उसके अंदर मुकम्मल डिटेल दिया हुआ है। और ये आज आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा हमारा वो ग्रो किया हुआ धनिया कैसे अच्छी ग्रोथ में जा रहा है आपके सामने है। दोस्तों देखें कैसा भी आई तैयार हुआ, खड़ा तैयार है। ये देखें, ये जीरे इस्तेमाल भी किया है, काटा गया है। ये एक बार समझो इसकी फसल हमने उठा ली है। अभी भी माशाल्लाह कितने बड़े बड़े लीफ इसके निकले हुए हैं। तो आप इसको दोस्तों किसी पॉट के अंदर भी अपने घर में आसानी के साथ उगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई ऐसी बड़ी तैयारी आपके पास नहीं है, फ्लैट है, बालकोनी है, खिड़की है, कहीं पे जहाँ पे थोड़ी सी भी 2-4 घंटे के लिए भी शेड में धूप आती है तो आप अगर उसको उगा लें, आपको बाज़ार से 10-20 रुपये का गुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जैसे एक बार गुट्टी ली 10-20 रुपये की, जैसे भी एक धनिया की, वो आपने थोड़ा सा इस्तेमाल किया, फ्रीज़र में रख दिया, कुछ तो उसमें ख़राब निकला, फिर फ्रीज़र में रख दिया, फिर फ्रीज़र में अगले दिन इस्तेमाल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर अगले दिन निकाला तो उसमें कुछ गल गया, ख़राब हो गया, फिर कुछ पत्ते निकले। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा धनिया ज़ाया हो जाता है। जैसे ये देख सकते हैं आप, अपने किचन गार्डनिंग करने का शौक़ और इसके ज़रिए फ़ायदा क्या होता है। जैसे अब हमें, जैसे आज सालन सब्ज़ी पाई है तो हमें धनिया की ज़रूरत है, तो हमें सब्ज़ी वाले से धनिया मांगना भी नहीं पड़ेगा कि सभी सब्ज़ी के साथ धनिया डाल दें, और ना ही हमें पैसों से परचेज़ करने की ज़रूरत, क्योंकि हम इधर से जितना धनिया की ज़रूरत होगी ऐसे करके कैंची के साथ इसको काट के ताज़ा धनिया हम अपने ज़ेर इस्तेमाल ला सकते हैं। तो ये है किचन गार्डनिंग करने का फ़ायदा। इसका नुकसान कोई नहीं है, एक तो हॉबी की हॉबी है, जिसमें फ़ायदे का फ़ायदा है। इससे आपको फ्रेश सब्ज़ी, फ्रेश अपने घर की दस्तियाब हर वक्त होती है। किसी वक्त भी आपको अचानक रात को कोई मेहमान आ जाते हैं तो रात को आप किधर से धनिया लेने जाएँ। अक्सर जगहों पे शॉप मार्केट बंद होती है, दुकानें बंद हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसे में आप। तो अगर आपने अपने घर में उगाया हुआ होगा तो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा धनिया कैसी ग्रोथ में जा रहा है। उम्मीद है आपने भी सर्दियों की ये लाजवाब सब्ज़ी उगाई हुई होगी अपने गमले में, पॉट में, क्यारी में। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने अभी किचन गार्डनिंग नई नई स्टार्ट की है तो उनको फिर दोबारा से मैं इसका तरीकाकार रिपीट कर देता हूँ कि हाउ टू ग्रो धनिया। तो आपने जैसे ये ज़मीन है, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे खुदी हुई ज़मीन है, नरम की हुई है, इसको ऐसे आपने ज़मीन को बालू मिट्टी अगर आपके पास नहीं है तो आप बालू मिट्टी ख़ुद भी बना सकते हैं अपनी। 50% रेती जो हम अपने घरों में सीमेंट से बनाने में इस्तेमाल करते हैं तमीरात में, वो वाली रेत, और 50%
सिंपल मट्टी ज़मीन पर उसको मिक्स करेंगे आप, वो सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, वो हमारी बालू मट्टी तैयार है। तो उसको आप इसके अंदर बिछाएं हमने ज़मीन पे, उसको नरम करें, उसे साफ़ करें, जड़ी बूटी अलग करें, कंकर पत्थर शॉपर वगैरह सब चीज़ों को। उसके बाद आपने सिंपल करना ये, अगर आप क्यारी पे लगाना चाहते हैं, क्यारियाँ बना के लगाना चाहते हैं तो आप क्यारियाँ छोटी छोटी डोलियाँ बना लें, उनके ऊपर थोड़े थोड़े आप चौपे लगा दें, दो दो तीन तीन बीज, वो ज़्यादा बेहतर है, उससे धनिया की जड़ें ज़ाया नहीं होती, जब पानी लगता है तो जड़ें नहीं निकलती, गिरता नहीं है, खड़ा रहता है, स्टैंड बाई रहता है, तो वो भी ज़्यादा बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप डोलियाँ नहीं बनाना चाहते, ज़्यादा जगह नहीं है, गमला है जैसे, तो फिर आप उसके अंदर ऐसे ही गमले के अंदर इसको धनिया को स्प्रिंकल करें, सॉरी अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करें, इसलाह कर दिया करें, आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब आप उसको ऐसे ही स्प्रिंकल कर दें धनिया को, पानी लगा दें, फौरन ही पानी लगा दें, बल्कि ऐसा करें आप धनिया को ना, ऐसे धनिया लगाने से पहले ना वो डबल होता है, मोटा होता है, गोल बीज होता है, उसको ऐसे आप हाथ में मसल लें तो ना वो एक धनिया के दो धनिया हो जाएंगे, ऐसे में ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं, वो जल्दी आपके वो जर्मिनेट धनिया की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप उसका स्प्रिंकल कर दें, उसके बाद आप इसके अंदर फौरी पानी लगा दें, ठीक है, इंशाल्लाह आपका 5-6 दिन के अंदर सीज़न है, ये सर्दियों के सीज़न में होता है धनिया, गर्मियों में इतना ख़ास नहीं होता, ठंडे इलाकों में फिर भी पाया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में खासकर पंजाब में ये सर्दियों में ही होता है। तो इसको आप 5-6 दिनों में इसकी ग्रोथ निकल आएगी, उसके बाद आपने जब ऐसा बड़ा बड़ा हो जाए तो फिर आप इसकी साइडों से ये फ्रंट वाली आप स्पाउट बिल्कुल ना आप इसकी काटें, इसको बढ़ने दें, जैसे ये वाली देख रहे हैं ये वाली, ये सेंटर वाली जो सीधी आ रही है, ऐसे जो ऐसे दोस्तों सीधी आ रही हो ना, ऐसे वो वाली आपने बिल्कुल नहीं काटनी, बाकी साइडों से आप काटें, इसकी ग्रोथ होने दें। जैसे ये देख, ये एक धनिया है, ये ठीक है, इस ये ऐसे